सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अगर हम गिरते हैं तो अधिक अच्छी तरह चलने का रहस्य सीख जाते हैं। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में मालिक नहीं होते हैं वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं। जिंदगी एक शिक्षक की तरह होती है जो समय समय पर सबकी परीक्षा लेती है। आज का पंचांग 20 मई 2024 दिन सोमवार, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि, दोपहर 3:59 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चित्रा नामक नक्षत्र सुबह 5:46 तक रहेगी। इसके उपरांत स्वाति नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:26 से 9:05 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर शाम 4:34 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। सिंह राशि 20 मई 2024 दिन सोमवार, कार्य आज विशाल परिणाम और सफलता देने वाला है। आपके प्रदर्शन और प्रतिभा का मूल्यांकन किया गया है और इसको नई पहचान दी गई है। इस पल की महिमा और आपको प्रदान किए गए इनाम का आनंद लें। कलात्मक पेशे वालों के लिए आज का दिन सर्वोत्तम है। अपने काम को समय पर पूरा करना चिंता का विषय बन सकता है। फोन या ईमेल के जरिए कोई अप्रत्याशित समाचार भी मिलेगा। अच्छा, आपको खुशखबरी मिल सकती है, आपकी कोई समस्या हल होने वाली है। विद्यार्थियों और युवाओं को अपनी पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्षेत्र में भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। आप अपने व्यक्तिगत और रुचिपूर्ण कार्यों के लिए भी समय निकाल सकते हैं। सकारात्मक समय की शुरुआत हो रही है। जो अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं उन्हें जरूर स्वीकार करें। कुछ बातें मन के विरुद्ध नजर आएगी, लेकिन आगे चलकर ये बातें आपके पक्ष में होगी। अचानक से बड़ी मात्रा में लाभ हो सकता है। बड़ा निवेश करना आपके लिए संभव होगा। काम की जगह हो रहे विवाद शांत होंगे। आकर्षण बना रहेगा, एलर्जी होने की भी संभावना है। सावधानियां, स्वार्थ के समस्याओं में दूरी बनाकर रखें। रुपए पैसे के लेन देन की वजह से रिश्ते में दरार पड़ सकती है। पारिवारिक लोगों की जरूरतों का ध्यान रखें। अपने संबंधों के लिए ज्यादा लापरवाही करना ठीक नहीं है। बात करते हैं लव लाइफ की। वैवाहिक संबंध में छोटी मोटी बातों पर आरोप प्रत्यारोप करना ठीक नहीं है। ध्यान रखें कि इसका नकारात्मक प्रभाव पारिवारिक व्यवस्था पर ना हो। बात करते हैं लव लाइफ की। अपने शब्दों पर आज नियंत्रण रखें। लव लाइफ में आपको नए मौके मिलने वाले हैं, उनका पूरा फायदा उठाएं। कोई मनपसंद उपहार भी मिल सकता है। खुद को और अपने जीवन साथी को खुश रखने की कोशिश करें। आज परिवार के साथ छोटी सी यात्रा का योग है। प्रभावित करने के लिए आत्मविश्वास का होना बेहद जरूरी है, जो आपके दिल रूह और रिश्तों में आता है। आपका प्यार अगर रूठ गया है तो एक आलिंगन या किस उसे अपना भी सकता है और आपके प्यार को और भी गहरा बना सकता है। बात करते हैं करियर की। पेशे में मान्यता, पुरस्कार और अच्छे परिणाम आपकी प्राथमिकता है, जिसके लिए इस समय आप हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अपनी क्षमता का मूल्यांकन करने से आप नए अवसर पा सकते हैं। इस समय सार्वजनिक मामलों और फालतू विवादों से दूर रहें बेहतर होगा। अपनी बैठकों और अटके हुए काम को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए यह समय बेहतरीन है। अब आपको उपभोक्ताओं की जरूरतों को समझने और असामान्य जोखिम लेने के बजाय फायदेमंद योजनाएं बनानी चाहिए। अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए ईमानदार, जिम्मेदार और समयबद्ध होने की कोशिश करें। फालतू के वाद विवाद से दूर रहें। कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक कार्यभार रहेगा और दिन व्यस्तता में व्यतीत होगा। आपको आपकी मेहनत के अनुसार परिणाम हासिल होंगे। नौकरी में किसी भी अनुचित कार्य में भाग ना लें। कोई इंक्वायरी हो सकती है। बात करते हैं सेहत की। वर्तमान समय में जब वातावरण में विभिन्न चुनौतियां हैं, लापरवाही करना सबसे बुरा विकल्प है। आपको अपने स्वास्थ्य को
संक्रमण की बढ़ती संभावना के समय में सावधानी बरतना और सामाजिक दूरी बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए हाथों को समय समय पर धोना, अपने मुंह और नाक को ढकने और व्यक्तिगत हाइजीन का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। सावधानी बरतने से आपके स्वस्थ रहने में आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग और ध्यान जैसी प्राथमिकताएं ना भूलें। ये सभी प्रक्रियाएं आपको आपके स्वास्थ्य को सुरक्षित और मजबूत रखने में भी मदद कर सकती है। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।